विधि मंत्री साहब के साथ डिस्कशन हुआ कोर्ट्स के संबंध में, और क्योंकि विधि मंत्री जी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कुछ बोलूँगा, तो फिर मैंने भी सप्लीमेंट्री रखी और मैंने विधि मंत्री जी से कहा कि देखिए, कोर्ट एक सॉवरन फंक्शन करता है। सॉवरन मतलब जैसे पुलिस एक सॉवरन फंक्शन करती है, सरकार एक सॉवरन फंक्शन करती है, वैसे कोर्ट भी एक सॉवरन फंक्शन करता है। और कोर्ट वेकेशन में नहीं जा सकती, कोर्ट को निरंतर होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। कोर्ट बंद नहीं होती, खाली हॉलीडेज में बंद होगी, रेस्ट कोर्ट चलती चाहिए, और कोर्ट वेकेशन में नहीं जा सकती। तो मैंने कहा ये कोर्ट का जो वेकेशन का कॉन्सेप्ट है, जो ब्रिटिश काल का है, जब ब्रिटिश जज लोग अपने घर जाते थे, उसके लिए उनको समय चाहिए, 2 महीने का छुट्टी चाहिए होती थी जैसे स्कूल में होती है, वो कोर्ट के लिए अब उपयुक्त और नहीं है। स्पेशली जब 5 करोड़ केसेस इस देश में पेंडिंग हैं, और मेरा ये सुझाव था और मैंने कहा, ये विधि मंत्री जी बोला, प्रधानमंत्री जी भी बैठे थे, कि आप इस चीज़ को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करिए, पार्लियामेंट के बिहाफ में स्टैंडिंग कमेटी को लेके भी हम इस चीज़ को उठाएंगे। और हमारा ये कहना है कि जजेस और लॉयर्स आर इंटाइटल्ड फॉर हॉलीडे, आप जजेस को वेकेशन दीजिए 25 दिन 30 दिन जो आपका है, और वो साल में जब भी चाहे ले लें। बट वो जो कोर्ट बंद करके सब छुट्टी पर जाते हैं, और कोर्ट बंद रहेगा वो बंद होना चाहिए, क्योंकि अभी आप 200 दिन कोर्ट चलाते हो, लगभग कम से कम 300 दिन कोर्ट चलेगा फिर, और जब 300 दिन कोर्ट चलेगा तो समझो एक तिहाई जजमेंट मुकदमों को और निराकरण होगा। तो ये एक रिफॉर्म के तरफ मैंने अंकित किया है, आकर्षित किया है ध्यान सबका, कि लेट अस स्टार्ट अ रिफॉर्म इन जुडिशरी, इन कोर्ट सिस्टम्स, बाई डूइंग समथिंग आर सेल्फ। सबसे पहले हम एक स्टेप लें, उसके बाद बड़े स्टेप्स और आएंगे, क्योंकि हम 5 करोड़ केसेस कोर्ट के कटघरे में, कोर्ट के डॉकेट्स में पेंडिंग नहीं रख सकते, नहीं तो इससे पूरा जुडिशियल सिस्टम की बदनामी भी हो रही है और एक प्रकार से फेलियर रिफ्लेक्ट करता है। जजेस तैयार हो जाएंगे इसके लिए? मैं तो चाहता हूँ कि देश के सेंटिमेंट के साथ सब कुछ चलना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।